रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 9वां अध्याय। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हैं, आप ही मसीह से शापित हो जाता। वे इसराइली हैं और लेपालकपन का हक और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानियुग धन्य है, आमीन। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इसराइल के वंश हैं वे सब इसराइली नहीं, और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे, जैसा लिखा है कि मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसो को अप्रिय जाना। सो हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उसी पर कृपा करूंगा। सो यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरौन से कहा गया कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। सो वह जिस पर चाहता है उस पर दया करता है और जिसे चाहता है उसे कठोर कर देता है। सो तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपने सामर्थ्य प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है कि जो मेरी प्रजा न थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा और जो प्रिया न थी उसे प्रिया कहूंगा, और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और यशाया इसराइल के विषय में पुकार कर कहता है कि चाहे इसराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा, जैसा यशाया ने पहले भी कहा था कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम की नाई हो जाते और अमोरा के सरीखे ठहरते। सो हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है, परंतु इसराइली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे, किस लिए? इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानो कर्मों से उसकी खोज करते थे, उन्होंने उस
ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सियोन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा।